फिलहाल जेट एयरवेज सुर्खियों पे है क्योंकि इतना बड़ा कंपनी अब डूब गई है। लेकिन क्या आपको पता है, इतना बड़ा एयरलाइन कंपनी को बचपन में आर्थिक संकट से जूझ रहे एक शख्स ने खड़ा किया था? अगर नहीं तो आज जान लीजिए जेट एयरवेज का इतिहास और पूरा कहानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। तो इस कहानी का शुरुआत होता है सन 1949 में। तब भारत के पंजाब के संगरूर में एक ज्वेलरी का व्यापारी रहते थे। सन 1949 में उनका एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम रखा नरेश गोयल। लेकिन जब नरेश छोटे थे तभी उनके पिता चल बसे। वे सातवीं तक राज हाई स्कूल फॉर बॉयज नाम के एक सरकारी स्कूल में पढ़े। जब वे 11 साल के थे तो उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उनका घर भी नीलाम हो गया था। तब उनको अपने माँ के मामा के घर पर रहना पड़ा। इतने परेशानियों के बावजूद उन्होंने पटियाला के विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री हासिल किया। उसके बाद 18 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गए नौकरी की तलाश में। तब वो खाली हाथ आए थे लेकिन उनको पता भी नहीं था कि वो आगे जाके एक बहुत बड़ा एयरलाइन कंपनी का गठन करने वाले हैं। सन 1967 में उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में एक कैशियर का काम करना शुरू किया। उस नौकरी में उनको सिर्फ 300 रुपये मिलते थे। उसके बाद उन्होंने लेबानीज इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जीएसए मतलब जनरल सर्विस एजेंट के साथ ट्रैवल बिजनेस में शामिल हो गए और सन 1967 से सन 1974 तक उन्हें अन्य कई विदेशी एयरलाइनों के साथ जुड़ने का अवसर मिला जिससे उनको बहुत प्रशिक्षण मिला। उन्होंने इसी दौरान बिजनेस के सिलसिले पे बड़े पैमाने पर विदेशों की यात्रा की, जैसे कि सन 1969 में उनको इराकी एयरवेज का पब्लिक रिलेशन मैनेजर नियुक्त किया गया और सन 1971 से सन 1974 तक वो रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस के रीजनल मैनेजर बने रहे। इसके अलावा उन्होंने मिडिल ईस्ट एयरलाइंस के इंडियन ऑफिसेस में भी काम किया था जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में जैसे कि टिकेटिंग, रिजर्वेशंस और सेल्स में काफ़ी अनुभव प्राप्त किया, जिसके बाद उनको पता चल गया कि उनको ट्रैवल एजेंसी में ही करियर बनाना है क्योंकि वो पूरा एयरलाइंस बिजनेस समझ चुके थे। और सन 1974 में उन्होंने अपने माँ से 500 पाउंड मतलब आज के ज़माने के 45,000 रुपीज़ लेकर अपनी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी खोल ली। उन्होंने अपनी एजेंसी का नाम रखा जेट एयर। उनके इस ट्रैवल एजेंसी ने लेबानीज इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जनरल सर्विस एजेंट के रूप में काम शुरू किया। इसने बाद में व्यापार का विस्तार किया और भारत में कई विदेशी एयरलाइनों के लिए सेल्स और मार्केटिंग का प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसी कंपनी में सन 1979 में अनीता नाम की एक लड़की ने ज्वाइन किया जो आगे चल के नरेश गोयल की पत्नी बनी। उन्होंने मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन किया था और बाद में मार्केटिंग और सेल्स के हेड बनी। उन दोनों ने इसके 9 साल बाद शादी कर ली और उनकी बेटी नम्रता और एक बेटा निवान पैदा हुआ। ऐसे ही विदेशी एयरलाइनों के लिए काम करते करते आखिर में सन 1992 में उन्होंने ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी और सरकार के ओपन स्काइज पॉलिसीज का फ़ायदा उठाते हुए जेट एयरवेज का स्थापना किया, जिसके लिए उनको टेल विंस नाम का एक कंपनी से कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिला था। इसके एक साल बाद 1993 को जेट एयरवेज ने बॉम्बे से अहमदाबाद तक छोटे विमानों के साथ कम दूरी का एयर सर्विस शुरू किया जिसे एयर टैक्सी कहा जाता है। उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अनसेट वर्ल्ड वाइड नाम के एक बहुत बड़ा कंपनी से 4 बोइंग 737-300 लीज में लिया और पूरा भारत में अपना सेवा शुरू किया। जल्द ही जेट एयरवेज ने भारत में पहचान बना ली थी और 2007 में एयर सहारा को भी खरीद लिया था। लेकिन बाद में जेट एयरवेज को बहुत नुकसान हुआ, कंपनी की रेटिंग गिरी और कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। आखिरकार 25 मार्च 2019 को नरेश गोयल को चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये था एक बहुत बड़ा कंपनी जेट एयरवेज का इतिहास। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले और भी कंपनी का सक्सेस स्टोरीज और उनके फाउंडर के संघर्षों के बारे में जान पाए। जल्द ही मिलेंगे एक और दूसरा कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।